नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट हमने चार चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आज हम जो हमारे पांचवें चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी इससे पहले हमने क्या किया है, हमने क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है वो समझा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है उससे लिंक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको जो क्लाइमेट की चीजें बता दूं तो सबसे पहले मैं कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। तो जैसा हम सभी से जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम करते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ की अगर मैं चीजों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जीरो डिग्री पे एक जो लाइन पास होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, जो पास होती है जीरो डिग्री पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे ऊपर की तरफ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है जो सन की जो रेज होती है वो आपके यहां से लेकर यहां तक क्या होती है, डायरेक्टली क्या होती है, फॉल होती है। सही बात है। अब वही चीज अगर मैं बात करूं और साथ ही साथ सीधा कहां पे फॉल होती है, सीधा यहां से लेकर यहां तक रीजन में क्या फॉल होती है, तो इस वजह से ये वाला जो एरिया रहता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो रेज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका रेज होता है, ये आपके जीरो डिग्री का। अब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा तो गर्मी ज्यादा, अब जब गर्मी ज्यादा तो बट ऑब्वियस बात है जो प्रोसेस होता है आपके प्रेसिपिटेशन का, जो मैंने क्लाइमेट वाले चैप्टर में आपको सिखाया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है वो भी जो होगा वो फास्ट होगा। सही बात है। अब जब फास्ट होगा तो बट ऑब्वियस बात क्या होगी, जो बारिश होगी यानी जो रेन होगा वो भी क्या होगा आपका, फास्ट होगा। चलो प्रेसिपिटेशन वाला चीज बता दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात कर तो आपने स्टोव पे आपने पानी रखा होगा उबलने के लिए, आपने गैस चालू किया होगा। अब जैसे जैसे जो हीट होती है वो क्या बढ़ती जाती है, तो जो टेम्परेचर होता है पतीली का वो बढ़ने लगता है और जो पानी होता है वो क्या उबलने लगता है। अब जब पानी उबलने लगता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं वो बाहर निकलने चालू हो जाते कि नहीं चालू हो जाते, यानी जो आपका पानी आपके लिक्विड स्टेट में वो आप किस में कन्वर्ट होने लगता है, वो आपके गैसियस स्टेट में क्या कन्वर्ट होने लगता है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, जब हमारे एनवायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है तो जो वाटर्स होते हैं वाटर्स किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, वो आपके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइट यानी हल्के हो जाते हैं। प्लस उसी टाइम पे आपकी जो एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है वो भी क्या इंक्रीज हो जाती है। अब कोई भी चीज जब हल्की हो जाएगी तो और एयर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो आपके अपर डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, बहुत स्पीड से क्या ऊपर क्या जाने लगेगा। आया ना? हाँ, जाने लगेगा सर। सही बात है। अब वही एक सर्टेन अल्टीट्यूड के बाद, सर्टन अल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, आपकी एक सर्टन हाइट के बाद टेम्परेचर क्या होता है आपका, फॉल होने लगता है, यानी जो गर्मी होती है वो कम होने लगती है। अब जैसे ऊंचे ऊंचे पीक पे गए होंगे, बड़े बड़े पहाड़ों पे गए होंगे, तो आप जैसे ही चोटी पे पहुंचते हो तो आपको क्या पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि जो गर्मी है वो कम हो चुकी है और जो हवाएं बहुत अच्छी अच्छी बनने लगती है। अब सेम चीज जब गर्मी कम हुई तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो गैसियस स्टेट में, वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, यानी जो मॉलिक्यूल्स हल्के हो गए थे वो क्या हो जाएंगे, वजन हो जाएंगे। प्लस जो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी जो हवा की वजह से बढ़ी थी, गर्मी की वजह से बढ़ी थी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये चीज ऊपर गई, ये हैवी हो गई, और प्लस मेरा जो ताकत था होल्ड करने का वो भी कम हो गया, तो चीज नीचे आएगी कि नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, परसिपिटेशन होगा। तो वैसी सेम चीज, जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा जो परसिपिटेशन का जो प्रोसेस होगा वो बहुत स्पीड में क्या होगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सेम चीज, अब जब आप इक्वेटर पे हो तो गर्मी आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब जो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो बारिश भी क्या होगी, उसी हिसाब से क्या होगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि जो इक्वेटर वाला जो रीजन है वहां पे हर दोपहर में क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है? आपकी बारिश होती है, तो इस वजह से वहां पे जो वेजिटेशन होता है वो भी क्या बहुत ही डेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका डेंस क्या पाया जाता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो गर्मी भी जो होती है वो क्या आने लगती है, वो आपकी कम होने लगती है। सिर्फ नीचे का भी है, अब जैसे जैसे नीचे हो गया तो वहां पे भी जो गर्मी होती है वो कम होने लगती है, तो परसिपिटेशन वाली जो चीज है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कम क्या होने लगेगी। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। ये सेम जो प्रोसेस आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या, ये दोनों ही चीजें जो होती है वो क्या आपकी फॉलो होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या, अब हम ये चीज देखेंगे कि आगे एक्चुअली चैप्टर्स में हमें क्या बताया वो चीज हम लोग क्या यहाँ पे समझेंगे। अब इस लेक्चर में मैं अगर बात करूं तो हम सिर्फ वेजिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम जो है आपके वाइल्ड लाइफ के बारे में, हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या चीजों को क्या हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहली चीज नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की अगर बात करूं, अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं तो हमें यह देखने को मिलता है कि आपके जो ब्राजील में हमें बहुत सारे जो स्पीशीज होते हैं आपके एनिमल्स के, प्लस अगर मैं बात करूं आपके वेजिटेशन के, वो चीजें हमें क्या देखने मिलती है। अब ऐसा क्यों देखने मिलता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या यहाँ पे भी एक्सप्लेन क्या समझेंगे। अब सबसे पहली चीज
जो ब्राजील में जो रेनफॉल होता है वो क्या होता है, वैरी करता है आपके अलग अलग फिजियोग्राफी रीजन की वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका ये कौन सा वाला रीजन हो गया, ये आपके एस्कार्पमेंट वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब यहां से फॉर एग्जांपल ट्रेड विंड्स आ रही है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बारिश अगर ज्यादा हो गई, यहाँ पे क्या हो गया आपकी जो बारिश क्या हो गई ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि एज ऑब्सेशन काम करे तो इसको ऊपर से जाना पड़ेगा, सही बात है। फिर उसके बाद अब जैसे अब ये साइड कौन सा हो गया आपका, विंडवर्ड साइड हो गया, क्या हो गया, विंडवर्ड साइड हो गया। अब यहाँ पे पूरी बारिश हो गई तो यहाँ पे होगी क्या, यहाँ पे होना क्या, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे जो बारिश होने के जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे, क्या होंगे, कम होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बारिश होता है वो एक मेन रीजन प्ले करता है आपके वेजिटेशन में, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, क्या होंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे तो वहां पे जो मॉनसून के जो डेज होंगे वो भी क्या, कम हो जाएंगे। जैसे इक्वेटर के पास अगर बात करूं तो हर दोपहर में बारिश होती है, वही हम इक्वेटर से थोड़े दूर है तो हमारे यहाँ पे कितना, तीन से चार, तीन साढ़े तीन महीने बारिश क्या आपके जोर शोर से होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वहीं पर अगर बात करूं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें क्या कहां पे देखने मिलता है ब्राजील में, जहां पे पूरे साल बारिश होती है, जैसे इक्वेटर वाला जो रीजन है वहां पे पूरे साल बारिश होती रहती है, तो इस वजह से वहां पे हमें डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इन रीजंस व्हिच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस, क्या बोला गया है कि अब यहाँ पे ब्राजील में कुछ ऐसे रीजन भी है जहां पे जो बारिश होती है आपके कुछ कुछ इवेंट्स पे होती है, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे होती है, तो वहां पे जो रेनफॉल होगा वो रेनफॉल जो होगा वो इंटरवल्स में होता है, तो जो वेजिटेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम हमें क्या देखने क्या मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ग्रासेस, छोटे छोटे श्रब्स, थ्रोनी वेजिटेशन क्या देखने के लिए मिलते हैं। अब ब्राजील के अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज क्या हमें वर्ल्ड में क्या यहाँ पे देखने मिलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें क्या क्या आता है, वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन आता है, आपका एरिड तरह का एरिड फॉरेस्ट आता है, ये सारी चीजें हमें क्या देखने मिलती है। और साथ ही साथ अब जो एक बंदा है वो क्या क्या यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जैसे पावर ब्राजील ट्री, रबर ट्री, महोगनी, रोज वुड और अलग अलग टाइप के जो ऑर्चिड्स होते हैं वो यहाँ पे क्या देखने मिलेंगे। अब जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो अब क्या बोलो कि वेजिटेशन ज्यादा है तो यानी पेड़ ज्यादा है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे बारिश पूरे साल हो रही है, बारिश पूरे साल हो रही है तो वेजिटेशन भी घना सारा, मतलब पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा है, तो पेड़ क्या करेंगे, जो आपके ऑक्सीजन होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा एनवायरमेंट वो ज्यादा क्या इनहेल करेंगे, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ब्राजील इज ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है, ब्राजील इज नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू स्टेट द रीजन फॉर दैट, ठीक है। अब इंडियन वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन वेजिटेशन में अगर बात करूं तो रीजन जहां पे जो रेनफॉल है 2000 मिलीमीटर से ज्यादा होती है या फिर एवरेज होती है, तो वहां पे हमें एवरेज सनलाइट साथ ही साथ मिलता है, तो वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने मिलता है। जो लीव्स होती है इधर के ट्रीज की वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है और ग्रीनिश एकदम क्या होती है। अब ट्रीज कौन सी होती है, जैसे हार्डवुड हो गया, हैवी हार्डवुड होता है जो हैवी और ड्यूरेबल, महोगनी हो गई, ये चीज हमें क्या देखने मिलती है, रोजवुड हो गया, रबर हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करूं अलग अलग तरह के हमें क्रीपर्स देखने मिलेंगे आपको यहाँ पे, और हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी का इस तरह के फॉरेस्ट में क्या पाई जाती है। अब रीजन जहां पे रेनफॉल है 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर तक होते हैं वहां पे डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने मिलते हैं। ड्राई सीजन में ट्री क्या करते हैं, अपने जो पत्ते होते हैं पत्तों की मदद से जो जमीन होते उसको क्या करते हैं, उसको छाव दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सनलाइट उस रीजन तक क्या पहुंच नहीं पाती, तो इवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। जैसे आपका टीक ले लो, बाम्बू ले लो, बनिया ले लो, पीपल ले लो, ये आपके ट्रीज है जो यहाँ पे क्या हमें क्या देखने मिलते हैं। बाम्बू के ले लोगे तो बाम्बू के जो पेड़ होते हैं वो आपको क्या झुके हुए दिखाई देते, पीपल आपका ऑलरेडी डेंस होता है तो उसकी पत्तियों की वजह से जो जो आपका जो लैंड होता है वो क्या होता है ढका हुआ रहता है, ठीक है, जो सनलाइट डायरेक्ट क्या फॉल नहीं हो पाती है। अब रीजन जहाँ पे रेनफॉल जो होती है 500 मिलीमीटर से कम की होती है वो समर समर ड्राई समर रीजन होते हैं, ठीक है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है, वहां पे थ्रोनी और शब टाइप के वेजिटेशन क्या हमें क्या देखने मिलते हैं। लीव्स जो होते हैं बहुत सारे छोटे होते हैं, जैसे अकेशिया हो गए, खिचड़ी हो गए और अलग अलग टाइप के कैक्टस जैसे एलोवेरा और अगेवे हमें क्या देखने मिलते हैं। और स्वैम्पी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज मतलब क्या होगा कीचड़ वाला इलाका, ठीक है, वहां पे हमें एश्यूरीज और लगूंस जो है कोस्टल एरियाज में देखने मिलते हैं, जहां के जो सॉइल्स होते हैं थोड़े से क्या होते हैं सलाइन होते हैं और हमें मॉइस्चर क्लाइमेट क्या देखने मिलता है, कोस्टल टाइप का जो वेजिटेशन है यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा। और इस तरह के हम इस तरह इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं मैंग्रोव्स या फिर सुंदरबन्स, क्या हम लोग क्या बोलते हैं रीजन में। और जो वुड्स होती है वो क्या होती है ट्रीज की, वो ऑयली रहती है, हल्की रहती है और ड्यूरेबल रहती है, ठीक है। अब वहीं पर लास्ट में अगर बात करूं तो हिमालयन जो है हिमालयन माउंटेन्स वो तीन टाइप के फॉरेस्ट में क्या आपके डिवाइड है आपके अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड।
अल्टीट्यूड मतलब क्या हाइट होता है। अब एरिया जहां पे हाईएस्ट अल्टीट्यूड है यानी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है वहां पे सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज हमें देखने मिलते हैं। सीजन टू सीजन हमें जो ट्रीज जो हमेशा 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 फ्लावर्स नहीं रहते उस पे, कुछ इवेंट्स पे रहते हैं या फिर कुछ इंटरवल्स पे हमें देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करूं कॉनिफर ट्रीज जैसे पाइन हो गया, डियोडार हो गया, फिर हो गया, वो हमें देखते मिलते हैं। और वही सबसे जो छोटा मतलब जो सबसे नीचे की तरफ हमें क्या देखने मिलता है, हमें सॉरी ये जो चीज होता है ये हमें क्या नीचे की तरफ देखने मिलता है। और जो फुटहिल्स में हमें क्या मिक्स फॉरेस्ट क्या देखने क्या मिलता है, अब इसमें दोनों ही आता है आपकी कॉनिफोरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट दोनों ही क्या हमें देखने मिलता है। और जो प्रपोर्शन है साल ट्री का वो यहाँ पे हमें क्या ज्यादा क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेशन वाली जो चीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको चीज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए करा सके आपके अपने ग्रेट अडोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों